Hello friends, very warm welcome to Chiki Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about ki aap log kaise 1000 subscribers jo hai within 7 days apne channel pe leke aa sakte hain ya aap log kaise 7 din mein apne 1000 subscribers wahan pe bana sakte hain. Iske bare mein main aap logo ke sath mein aaj in detail yahan pe baat karunga aur sabhi jo youtubers hote hain जो नए यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना नया चैनल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो उन सभी यूट्यूबर्स के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी और आप सभी लोग जो हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें. अगर आप लोग जो हैं नए यूट्यूबर हैं और आप लोगों का भी ये ड्रीम है कि आप लोग जो हैं अपने 1000 सब्सक्राइब वहाँ पर कम्प्लीट करें विद इन 7 डेज, तो जब आप लोग जो हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप लोग जो हैं 100 सब्सक्राइबर्स तो आसानी से लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं अगर 100 आपके फ्रेंड्स होंगे तो उनको बोल बोल के आप लोग 100 वहाँ पे सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे आसानी से ले आएंगे. बट 1000 जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उसको आप लोग ऐसे नहीं ला सकते, किसी को बोल बोल के आप लोग उसको पूरा नहीं कर सकते. और अगर आप लोगों को अपना चैनल मोनेटाइज कराना है तो इसके लिए आप लोगों को वहाँ पर 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे जो हैं वो आप लोगों को पूरे करने होते हैं, तभी आप लोगों का जो चैनल होता है वो मोनेटाइज होता है और तभी आप लोगों को जो है यूट्यूब की तरफ से वहाँ पे पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं. तो स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स जो है अपने चैनल पर लेके आने हैं और आप लोग जो हैं एक नए यूट्यूबर हैं, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है कि कॉन्टिन्यू वे में वीडियोज़ डालनी है. आप लोगों को एक वीडियो रोज डालनी है तभी आप लोगों के वहाँ पे 1K सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं. मींस की कंटिन्यू वे में जो है आप लोगों को वहाँ पे काम करना पड़ेगा. और अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपके पास में आप लोगों का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो आप लोग जो है कैफे में भी जा सकते हैं. कैफे में आप लोगों को जाना पड़ेगा विदाउट आप लोग PC. यूट्यूब पे जो है आप लोग 1K सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर की जरूरत वहां पे पड़ेगी. क्योंकि जब आप लोग अपना चैनल वेरीफाई करेंगे तब भी आप लोगों को लैपटॉप की और कंप्यूटर की वहां पे जरूरत पड़ेगी. तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रिक है यहां पे वो ये है, अगर आप लोगों को 1K सब्सक्राइबर्स वहां पे लेके आने हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो आप लोगों का चैनल है या जो आप लोगों की वीडियोज हैं उनको आप लोगों को जो बहुत सारी ऑफिशियल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम, या फिर जो फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स होते हैं, इनमें आप लोगों को अपनी वीडियोस की जो लिंक है वो शेयर करनी पड़ेगी. वहाँ पे लोग उसको देखेंगे तो आप लोगों के वहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ने लगेंगे. तो ये फर्स्ट ट्रिक है. और व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को बोल के, जो अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड है तो आप लोग उनको बोल के भी जो है शेयर करा सकते हैं वीडियो की लिंक. और आप लोग जो फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स में भी आप लोग जो हैं उस वीडियो की जो लिंक है उसको आप लोग शेयर करें, इससे आप लोगों के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी वहां पे बढ़ जाएंगे. और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जो हैं उन लिंक्स को जो है वहां पे शेयर करें, अपनी चैनल की लिंक्स को, अपनी वीडियो की लिंक को. उसके बाद जो है जो आप लोग वीडियो बना रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बनानी है या जिस भी टाइटल पे आप लोगों को वीडियो बनानी है, उस टॉपिक या उस टाइटल से रिलेटेड आप लोगों को वो सभी वीडियोस वहाँ पे सर्च करनी है जो पहले से बनी हुई हैं. और आप लोगों को जो है उन सभी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट को पढ़ना है, तो आप लोगों को ये पता चलेगा जो वहाँ पे व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं, आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या गलती की है उस यूट्यूबर ने जो पहले से इस वीडियो को बना चुका है या इस टाइटल पर जो है वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर चुका है. तो जब आप लोग वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों से वो गलतियां नहीं होंगी जो पहले से हो चुकी हैं. एक ये यहाँ पे पॉइंट है, इससे भी आप लोगों के जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ेंगे और आप लोग वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले से उस यूट्यूबर ने कर रखी हैं. तो अगर आप लोग अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छा कंटेंट आप लोग जो है लेके आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए या फॉलोअर्स के लिए, तो आप लोगों को सब्सक्राइबर्स वहाँ पे बहुत जल्दी मिल जाएंगे. तो ये फर्स्ट ये यहाँ पे एक और ट्रिक है सॉरी. उसके बाद जो है आप लोग ऐसी वीडियोस लेके आए यूट्यूब पे, ऐसे टाइटल पे आप लोग जो है वीडियो लेके आए यूट्यूब पे जिसपे पहले से कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं है. उससे क्या होगा कि कोई भी सर्च करेगा अगर यूट्यूब पे
उस टॉपिक को, तो सबसे पहले आप ही की वीडियो खुल के आएगी और आप लोगों से बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ते चले जाएंगे। तो आप लोगों का जो कंटेंट होना चाहिए, जो आप लोगों की वीडियो का टाइटल होना चाहिए, वो थोड़ा यूनिक टाइप का होना चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट वहां पे मिलेगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और टाइटल कैसे आप लोग यूनिक लेके आ सकते हैं, जिस भी टाइटल पे आप लोग जो है वीडियो बना रहे हैं उसको आप लोग डाल के देख सकते हैं सर्च में, तो वहां पे बहुत सारे टाइटल खुल के आ जाएंगे। तो उन सभी टाइटल को आप लोग जो है यूज ना करें। अगर आप लोग अपना टाइटल डाले हैं, उन सभी टाइटल्स को आप लोग टैग्स में यूज कर सकते हैं, टैग्स में आप लोग यूज कर सकते हैं जब आप लोग यूट्यूब पे टैग डालते हैं, बट टाइटल में यूज मत करें। टाइटल आप लोग अपना यूनिक वहां पे रखें। उसके बाद नया यूट्यूब चैनल बनाते टाइम जो है आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को अपने चैनल का जो नेम है वो ऐसा रखना है कि अगर उसको कोई सर्च करे यूट्यूब पे तो सबसे पहले वहां पे ओपन होके आए। तो आप लोगों को यूनिक नेम रखना है अपने यूट्यूब चैनल का। इससे भी आप लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप लोगों की चैनल की जो फैन फॉलोइंग है या जो आइडेंटिटी है, वो वहां पे जल्दी जो है आप लोगों की वहां पे बन जाएगी और आप लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वहां पे एकदम जो है रैपिड तरीके से वहां पे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है जो टैग्स हैं उनको आप लोग यूनिक डालें। और टैग्स जो है मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी टाइटल पे आपने वीडियो बनाई है उसको आप लोग यूट्यूब पे डालें और वहां पे बहुत सारे जो है टाइटल्स खुल के आएंगे, तो उन्हीं सभी टाइटल्स को आप लोग जो है टैग्स में यूज करें, तो आप लोगों की वहां पे जल्दी फॉलोअर्स, जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप लोग जो है जो अदर यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोज में आप लोग जाएं और जिस भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाएंगे आप लोग जो है पहले वो सर्च करें और उस पर बहुत सारी वीडियोस वहां पे खुल के आएंगी। उन वीडियोस में आप लोग कमेंट पे जाएं और कमेंट पे जाके जो फॉलोवर्स ने वहां पे, जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप लोग जो है उन क्वेश्चंस के वहां पे आंसर करें और अपने चैनल की लिंक को आप लोग वहां पे डालें। बट आप लोग अगर ये ज्यादा करेंगे तो आपके चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकती है, तो आप लोग जो है बहुत कम वीडियोज में ऐसा करें, ठीक है। और ये बेटर ज्यादा ऐसे होगा कि आप जो है किसी अपने फ्रेंड का मोबाइल फोन लेके उससे आप जो है उन सभी वीडियोस में जाएं और वहां पे क्वेश्चंस के आंसर करें और अपने चैनल की लिंक वहां पे छोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि आपके चैनल पे जो स्ट्राइक आने के चांसेस हैं वो बहुत कम है। अगर आप किसी दूसरे के चैनल से जो है उन सभी वीडियोस के नीचे जो कमेंट है, जो पहले से उस टॉपिक पे वीडियोस बनी हुई हैं जिस पे आपने वीडियो बनाई है, तो आप उन सभी कमेंट्स पे वहां पे आंसर करें। अपने चैनल से मत वहां पे आंसर करें, किसी दूसरे चैनल से वहां पे आप लोग आंसर करेंगे तो आपके फॉलोवर्स, आपके व्यूअर्स वहां पे बढ़ेंगे, उसके बाद आपकी आपके चैनल पे स्ट्राइक नहीं आएगी। उसके बाद क्या करना है, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके नेम को जो है आप लोग जो है एज अ टैग वहां पे यूज करें और आप लोगों के जो है बहुत सारे फॉलोवर्स वहां पे विद इन 7 days जो है बढ़ जाएंगे और आप लोग जो है 1K सब्सक्राइबर्स वहां पे पूरे कर लेंगे। और ये सभी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिससे कि आप लोग जो है 1K सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे विद इन 7 days लेके आ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस जो हैं चिकीज बायोलॉजी चैनल पे चाहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ।